फैमिली, वेलकम टू आर चैनल। मैं हूँ वैशाली, फिर लोगों के साथ करती हूँ वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे। आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली चिकनकारी, कटवर्क और इंडियन प्रिंट्स पे, जो कि बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। आज के आउटफिट होने वाले हैं प्रीमियम, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप होने वाले हैं टोटली कन्फ्यूज, मतलब कौन सा वाला फेवरेट है, कौन सा वाला ट्राई कर ले, कौन सा वाला हम पे अच्छा लगेगा, बहुत सारे सवाल आएंगे आज आपके दिमाग में। देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पर आप व्यूअर बने बैठे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बन रहे, क्यों यार, बिल्कुल फ्री का काम है। नीचे सब्सक्राइब का बटन अगर रेड पड़ा है, ग्रे कर दो, ग्रे ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना बस, और वीडियो के लिए एक छोटू सा लाइक का बटन है, थम्सअप बना हुआ है, टैप कर दो, दैट्स इट, और वीडियो एंजॉय करो। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सभी आउटफिट मैंने खरीदे हैं अमेज़ॉन से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने माय हॉल स्टोर का लिंक दे दिया है, जहाँ पर आप टैप कीजिए और आराम से शॉपिंग कीजिए। जितने भी एक्सेसरीज, फुटवेयर रहेंगे उनको भी मैं ऐड कर दूंगी अगर वो अमेज़ॉन से रहे तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो सूट सेट है वो मैंने ख़रीदा है सब्यासाची की याद में। यस, आप में से जितने भी सब्यासाची लवर हैं, मैं तो बहुत बड़ी हूँ, तो मुझे जैसे ही ये वाले माइक्रो प्रिंट्स और सेम क्वार्ट्ज सेट में या फिर कुछ यूनिक पीस मिलता है ना, मैं फटाफट से पिक कर लेती हूँ ट्राई करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, कलर बहुत सुंदर है, प्रॉपर रेड कलर है, और रेड कलर के ऊपर अजरक प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम माइक्रो वाले फ्लावर्स और लीव्स बने हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। इसके साथ मैंने ब्लू कलर के ईयरिंग्स पहने हैं, और इसके साथ जो मैंने फुटवेयर पहना है मेरा बहुत पुराना है, अभी आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा। मेरा साइज़ मैंने लार्ज पिक किया है, राउंड नेकलाइन के साथ यहाँ पर गोटा की डिटेल है और फैब्रिक के ब्लू बटन लगे हुए हैं। रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही यूनिक है और अच्छा लगता है पहना हुआ। इसके साथ आप इसी स्काई ब्लू कलर का शिफॉन का कोई दुपट्टा ले लो, बहुत अच्छा लगेगा। 3/4 स्लीव में स्ट्रेट कुर्ती मिल जाती है, फैब्रिक का सेल्फ प्रिंट है, ब्लॉक और कॉटन मटेरियल पर है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हो। इसका जो बॉटम है सेम फैब्रिक, सेम प्रिंट, एवरीथिंग इज सेम, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ सॉलिड ब्लू कलर का दुपट्टा लगा लो, मज़ा आ जाना है। सो इसका सेमी इलास्टिक आपको बैंड मिलेगा, ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिल रही है, और इसमें आपको मिल रही है राइट हैंड साइड पर पॉकेट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और टेपर्ड फिट में पैंट मिल रहा है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा था पहना हुआ, ट्राई ज़रूर करना। अगर आप ट्राई करते हो इसमें से कोई सी भी लुक तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना, माई इंस्टा हैंडल इज़ मित्रा वैशाली, जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है ये यश गैलरी ब्रांड से है, मैं इसको भी लिंक कर दूँगी, ये भी आपको अमेज़ॉन पर ही मिल जाएगी। और जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है वो मीशो से है, जिसको मैं काफ़ी पहले रिव्यू कर चुकी हूँ, इसलिए कहती हूँ सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके रखा करो सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पीस, ओ माई गॉड, ये है गवाचा ब्रांड का प्रीमियम रेंज, जिसमें ये आपको हकोबा और चिकनकारी फैब्रिक मिलेगा, जो कि वो कटिंग वाला होता है ना, जिसमें ऐसे होल होल से होते हैं, वो वाला चिकनकारी फैब्रिक है विद टाई एंड डाई पैटर्न, ब्लू एंड वाइट कलर में। इसमें ना बेल स्लीव का पैटर्न है, और स्लीव पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा चिकनकारी का वर्क दिखेगा। यहाँ पर नीचे पैनल करके चिकनकारी लगाया हुआ है, एंड नीचे की तरफ भी बहुत सुंदर वर्क दिया हुआ है, नीचे टैसल लगे हुए हैं। इस तरीके की आई थिंक ड्रेसेस मैंने आपके साथ इशिन ब्रांड की भी शेयर की है, बट उनकी और थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ये वाली बहुत सुंदर है। कोई भी वेकेशन है, खुद की बर्थडे आ रहा है, या फिर एनिवर्सरी है, तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, या कहीं छुट्टी मनाने जाना है, डेफिनेटली इसको ट्राई करना। इसके साथ जो मैंने मिरर वाली बेल्ट लगाई हुई है उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुकी हूँ, डेडिकेटेड बेल्ट का वीडियो किया है, चेकआउट कर लेना, लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कुर्ती की तरफ, जो कि इस हॉल में मेरी फेवरेट है, सच में मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अब आपको पता लग जाएगा क्यों, क्योंकि पैटर्न अगेन कटवर्क चिकनकारी के साथ प्लस कलर, दीज आर दी टोन्स, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगेन गवाचा ब्रांड से लाइट बिस्किट ब्राउन कलर में ये कुर्ती है, और यहाँ पे पूरा कटवर्क चिकनकारी का फैब्रिक है, और ये कॉटन पे है, अंदर जो आपको लाइनिंग मिल रही है वो भी सॉफ्ट मलमल कॉटन पे है। सो ग्रैब इट इसे पहले कि आपका साइज स्टॉक आउट हो जाए। 3/4 स्लीव है, और यहाँ पर आपको पूरी कुर्ती पे एक्चुअली यही वाला फैब्रिक मिलता है, फ्रंट पर भी और बैक पर भी, बहुत सुंदर है ये, देखो अंदर ना
लाइनिंग मिल रही है पूरी कुर्ती पर, स्लीव्स पर लाइनिंग नहीं है, ऐसे ही स्टाइलिश लग रहा है। इसके साथ आप चाहे तो डेनिम्स पहन सकते हैं, वरना मैं आपको बोलूँगी ब्लैक कलर ही पेयर करना, ब्लैक ज़्यादा अच्छे से जाएगा इसके साथ। इसके साथ जो मैंने क्यूलॉट्स आई थिंक पेयर किए हुए हैं, ये मैंने कशिश ब्रांड से अमेज़ॉन से ही खरीदे थे, अगर अवेलेबल होंगे तो मैं उसको अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट, अब बिल्कुल सिमिलर प्रिंट में आप कोई सूट नहीं पहनना चाहता फिर भी सब्यसाची वाली वाइब एंजॉय करना चाहता है, तो आप ये काफ्तान ट्यूनिक के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, सेम ब्रांड है आई थिंक, और प्रिंट वगैरह सब कुछ सेम है। वी नेकलाइन है और इसके ना फ्रंट पे यहाँ पे ना गैदरिंग दी हुई है, बहुत ही सुंदर। देखो प्लीट कितनी प्यारी बनी हुई है यहाँ पर, पूरा ये काफ्तान टॉप है बट जो इसकी स्टिचिंग दी हुई है ना, उससे आपकी बॉडी को और आपके टॉप को ना एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिससे पहना हुआ बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। ये डेनिम्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया लगेगा और कॉटन मटेरियल पर ब्लॉक प्रिंट है, जस्ट गो फॉर इट। इसमें मैंने जो साइज़ पिक किया है वो लार्ज पिक किया है और मुझे बहुत अच्छे से फिट आ रहा था, और मुझे इस तरीके की ना ईजी ब्रीजी टॉप पहनकर घूमना बहुत पसंद है, चाहे मैं किसी भी ओकेजन पर जा रही हूँ या फिर कॉफ़ी के लिए, शॉपिंग करने के लिए या फिर मूवी के लिए, ऐसे कम्फर्टेबल आउटफिट बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कुर्ती, ये भी बहुत ही सुंदर कुर्ती है और ये है फ्रॉम द ब्रांड ग्रेट। इसमें ब्रांड टैग ही नहीं है, मैं सभी के स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। ओके, द ब्रांड इज़ तीखी इमली, जिसके आई थिंक बहुत सारी साड़ीज़ भी आती है, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। सॉफ्ट क्रेप मटेरियल मिलेगा, अभी जो विंटर का सीज़न आता है ये 2-3 मंथ्स, तो उसमें आप ये वाला फैब्रिक आराम से पहन सकते हो और ईजी रहता है। मुझे लगता है कि वॉश करो तो कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं क्योंकि विंटर्स में एक सबसे बड़ा इशू होता है कि कपड़े सूखते ही नहीं है, सो उस पर्पज़ से भी आप इसको ले सकते हो। राउंड नेकलाइन है, ब्यूटीफुल, इस पर पूरा फ्लोरल पैटर्न दिया हुआ है, फ्रंट पे डिफरेंट पैनल है, साइड पर डिफरेंट है, इसके स्लीव पर डिफरेंट पैनल है। देखिए इस तरीके के ना प्रिंट पहनने में बहुत स्मार्ट लगते हैं। साइड पर आपको पॉम पॉम डिटेल्स मिल रही है, थोड़ा सा ना अम्ब्रेला स्टाइल है इसकी स्लीव पर, बाकी कुर्ती आपको स्ट्रेट मिल रही है। अगेन ये आप लाइट पिंक, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू के साथ पेयर कर सकते हो, काफ़ी प्रिटी लगेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट कुर्ती, ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, जैसे कि आपने सुना होगा मैंने किसी एक वीडियो में भी इनका एक कुर्ती शेयर किया था आपके साथ, ट्यूनिक शेयर किया था। द ब्रांड इज़ रिवर। आई नो कि इनके पीसेस एक्सपेंसिव है बट आप एक बार अगर इसको परचेज करके इसके फैब्रिक को जस्ट फील करोगे ना, आपको वो जो लग्जरी है ना फैब्रिक की, वो आपको फील हो जाएगी। ऑनेस्टली प्रिंट बहुत कमाल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पूरा बंधेज का, और इसको आई थिंक कोई पैटर्न बोलते हैं जिसको मैं भूल रही हूँ, ये वाला जो पैटर्न है पर्टिकुलर, कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत है, नेक लाइन पर ये कितना प्यारा लगता है, पूरा डिजिटल प्रिंट में मिलता है, बैक साइड पर भी आपको यही प्रिंट मिलता है, ब्लैक और रस्ट का पूरा इसमें कॉम्बिनेशन है, पहना हुआ आप देख सकते हैं। साइड पर ये इतना सुंदर लगता है नीचे की तरफ, मैंने कहा ना पहना हुआ अपने आप में ना बहुत ही सही क्लासिक पीस फील होता है। इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके जितने भी बटन्स हैं ये सब फंक्शनेबल हैं, फीडिंग मदर्स भी इसको ऑप्ट कर सकती हैं। फैब्रिक आई थिंक मोडाल सिल्क है बट आई लव इट, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी जल्दी इसको स्टाइल भी करूँगी। सो मेक श्योर इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं काफ़ी सारी अपडेट देती रहती हूँ, फोटोज़ अपडेट करती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ, तो वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सभी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। आज का वीडियो यही है, अगर आपको कोई लुक पसंद आई है, आपकी कोई फेवरेट हुई है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि कौन सा वाला आपका फेवरेट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।